मुकेश अम्बानी क्या चीजें खाते हैं, कैसे हमें टीचर्स बोर्ड पे ये लिख के बचपन से उल्लू बनाते आ रहे हैं और हमें इसके बारे में पता तक नहीं, और कैसे आप इतना करके बारिश को सिर्फ अपने घर के ऊपर करवा सकते हो, और ये कंपनीज के लोगों से ऐसे इंस्पायर्ड हुए थे जिसे देखकर आप शॉक में रह जाओगे। भाई इस वीडियो का हर एक सेकंड वर्थ इट है, तो इस वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो यार। 1, 2, 3 आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी आपको कोई मस्कीटो काटता है तो आप यही कहते हो कि मच्छर काट रहा है, जबकि सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही इंसानों को काटती है, मेल नहीं काटते। लेकिन इसकी वजह से बेचारे मेल मच्छर का भी नाम खराब हो जाता है। नंबर 16, आखिर इस बीच में ऐसा कौन सा जादू है कि ये अपने शेप तक को चेंज कर लेती है। इस बीच का नाम है ज्लातनी रेड ब्रिज, जो कि क्रोएशिया में पाई जाती है, जो अपने टिप के लिए काफी फेमस है क्योंकि इसकी टिप इधर उधर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रेट रहती है, लेकिन बहुत तेज हवाओं की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है। नंबर 15, क्या आप जानते हो कि आईपीएल में कंटिन्यू कुछ न कुछ इनोवेशन होते रहते हैं, जैसे पावर प्ले और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आप जानते हो सबसे पहले आईपीएल में ही T20 में सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट डाला गया था। ऐसा नहीं है कि इसे पहली बार आईपीएल में डिस्कवर किया गया था, बल्कि इसे फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में खेला गया था। बट पहली बार जब इसे किसी लीग मैच में खेला गया था तो वो था आईपीएल। नंबर 14, आखिर चाइना ने सिर्फ 3 सालों में ऐसा क्या कर दिया जो अमेरिका 100 सालों में भी नहीं कर पाया। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इस दुनिया में सबसे बेस्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि वहाँ हर चीज के लिए फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, फ्लैट के बीच से भी ट्रेन निकल रही है, और इतनी सारी बिल्डिंग और मेगा प्रोजेक्ट की वजह से चाइना ने सिर्फ 3 सालों में इतना कॉन्क्रीट यूज कर लिया है जितना अमेरिका ने पूरी 20th century में नहीं किया है, यानी 100 सालों में नहीं किया है। वाओ। नंबर 13, आखिर कैसे ये फल आपके डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आपका भी मूड खराब रहता है, फिर डिप्रेशन में हो आप, तो बनाना आपके हेल्थ अच्छी कर सकता है, क्योंकि बनाने के अंदर सेरोटोनिन पाए जाते हैं जो हमारे मूड को ठीक करने में बहुत हेल्प करते हैं, और इसीलिए बनाने को हैप्पी फ्रूट भी कहा जाता है। नंबर 12, इस पेंटिंग को नॉर्मली देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने ऐसे ही पेपर काट कर ये पेंटिंग बना दी हो, लेकिन भाई जैसे ये बंदा कैमरा को इसके पास ले जाता है तो ये देख कर मैं भी अमेज हो गया था, क्योंकि ये कोई पेपर नहीं है बल्कि ये एक सिंगल शीट पर बिल ब्रॉन नाम के एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, जिसकी डिटेल्स इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है जिसे देखकर मेरा तो माइंड ब्लो गया है। नंबर 11, आपको पता नहीं है कि आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, क्योंकि जिस दूध को बटर मिल्क के नाम से बेचा जाता है उसमें बटर का तो नामो निशान नहीं है। इतना ही नहीं, ये लो मिल्क होता है, लेकिन फिर भी इसे बटर मिल्क क्यों कहते हैं। असल में जब मिल्क की फर्मेंटेशन के बाद जब बटर निकाला जाता है और जो बचा हुआ मिल्क बचता है उसे बटर मिल्क कहा जाता है, तो ये नाम वहीं से लिया गया है, लेकिन अब बटर मिल्क लो फैट मिल्क को कहते हैं। नंबर 10, अगर आपके पास भी पैसा है और आपको गरीब महसूस करना है तो आप हांगकांग चले जाओ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस यही पर ही पाई जाती है। वैसे आपको कौन सी लग्जरी कार पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना, मैं देखना चाहूंगा। नंबर 9, आप ये जो अल्फाबेट्स देखते हो ना, ये असल में कॉपीड है। अगर आप भी सोचते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन भाई सबसे शॉकिंग बात तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज 30% फ्रेंच से ली गई है। जैसे बियर वर्ड को फ्रेंच में इस वर्ड से लिया गया है, मदर वर्ड को इस वर्ड से, और कॉफी को इस वर्ड से, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फ्रेंच से लिए गए हैं, और हमें स्कूल में ऐसा लगता था कि ये कंप्लीट इंग्लिश वर्ड्स हैं। नंबर 8, आखिर कैसे एक सिंपल लाइट हजारों लोगों की जान बचा सकती है। ये देखो, ये देखने में तो किसी नॉर्मल ब्रिज की तरह लगता है, लेकिन कोरिया का ये ब्रिज बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं जो जैसे इंसान वॉक करता है वैसे अलग अलग मैसेज ग्लो करते हैं, जैसे आई लव यू, तुमने खाना खाया, और कई बार तो कोई जोक जैसे जो इस ब्रिज से कूद कर अपनी जान देने आया है उसके दिल को कुछ सुन के सुकून मिले और वो रुक जाए। नंबर 7, क्या आप जानते हो इस दुनिया में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आप सिर्फ 2 मिनट 43 सेकंड में तोड़ सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में करंटली सबसे लंबा फाट मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बर्नर्ड क्लेमेंस के पास है, जिन्होंने अपनी तशरीफ से पूरे 2 मिनट 42 सेकंड तक प्रदूषण फैलाया था। तो अगर आपकी तशरीफ 2 मिनट 43 सेकंड तक ये छोड़ सकती है तो आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हो। नंबर 6, अब बिना मौसम के तपती धूप में भी बारिश करवाई जा सकती है, और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, दुबई में ऐसा अब भी हो रहा है। असल में इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से किया जाता है, एक प्लेन को बादलों के ऊपर भेजते हैं जिसमें बहुत सारा स्पेशल सॉल्ट होता है, और फिर ये सॉल्ट क्लाउड्स पर गिरा दिया जाता है जिससे बादल
भारी होकर बरसने लगते हैं। नंबर 5, अगर आप भी घर में सबसे बड़े हो तो आपके लिए खुशी की खबर है, और अगर आपसे छोटे यानी कि सेकंड नंबर पर कोई भाई बहन है तो उनके लिए बुरी खबर है, इसलिए ध्यान से सुनना। MIT की एक रिसर्च में ये पता चला कि सेकंड नंबर पर पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम मेकर होते हैं इन कंपैरिजन टू जो पहले और दूसरे के बाद पैदा हुए हैं, उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। वैसे क्या आपका छोटा भाई या बहन ऐसी है तो ये बात जल्दी से अपने पेरेंट्स को बता दो, या उन्हें ही बताकर आप चिढ़ा भी सकती हो। नंबर 4, अगर आपके पास में इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड वाले सेल्स के कॉल आते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए लाइफ सेवर साबित होगी, क्योंकि जैसे ही आप सेल्स पर्सन को रीजन बताने लगते हो कि मैं आपका प्रोडक्ट इस वजह से नहीं ले सकता तो वो आपको पट्टी पढ़ा कर ही मानेंगे, क्योंकि इन्हें इन्हीं सब रीजन के लिए ट्रेन किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप पर कोई भी कॉल पर आए तो उसे सीधा मना कर देना। नंबर 3, कैसे एक मॉम ने लिटरली डिज्नी को हजारों करोड़ों का नुकसान से बचा लिया। टॉय स्टोरी 2 के प्रोडक्शन के टाइम पर पिक्सर, जो डिज्नी की एक कंपनी है और जो एनिमेटेड शोज हैंडल करती है, उसने गलती से पूरी मूवी को ही अपने सर्वर से डिलीट कर दिया था। लेकिन एक लेडी अपने घर से ही काम कर रही थी जो नई माँ भी बनी थी, जिसकी वजह से सारा डेटा उनके कंप्यूटर में स्टोर था, और उसी डेटा की वजह से आज आप टॉय स्टोरी 2 मूवी देख सकते हो, वरना इनकी लापरवाही से तो ये पूरी मूवी डिलीट हो गई थी। नंबर 2, यार हम पूरे दिन में कई सारे लोगोस देखते हैं। किसी भी एप्लीकेशन या फिर कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका लोगो ही है, क्योंकि वही उनकी पहचान है, और अक्सर लोगो के हिडन मीनिंग और सीक्रेट इंस्पिरेशन होते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गूगल की बात करें तो इसके लोगों को सब पहचानते हैं। गूगल के लोगों की खासियत यह है कि इसमें कई डिफरेंट कलर्स हैं, जो कि ऐसा शो करता है कि गूगल रूल से नहीं चलता, और वो हमेशा काम के साथ एंजॉयमेंट और फन भी करते रहता है, जो कि सच भी है। फिर जिलेट के लोगों की बात करें तो नॉर्मल इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ अगर आप जी और आई पर फोकस करोगे तो देखोगे कि इसमें छोटे से कट है, जो कि जिलेट के रेजर शार्प ब्लेड के बारे में बताते हैं। फिर एडिडास के लोगों की बात करें तो ये कई बार चेंज होते रहता है, लेकिन उनकी 3 स्ट्राइक हमेशा कांस्टेंट रहती है। अभी जो एडिडास का लोगो है वो एक माउंटेन की तरह है, जो कि एडिडास के स्पोर्टी साइड को बताता है, और ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस के बारे में भी बताता है जो हमें ओवरटेक करने हैं। फिर बास्किन रॉबिन्स का लोगो जो है उसमें 31 छुपा हुआ है, जो कि बास्किन रॉबिन्स के ओरिजिनल 31 फ्लेवर के बारे में बताता है। और फिर इस गेमर क्यूब के लोगो को देखो, जिसका हिडन मीनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये क्यूब है जो कि गेमर क्यूब नाम बताता है। अब इसमें जो क्यूब का आउटर वॉल है वो जी की तरह लगता है, और वही जो व्हाइट स्पेस बीच में बन जाता है वो सी की तरह लगता है, और LG के लोगो में स्माइल फेस बना हुआ है, और उसी फेस पर L और G भी लिखा हुआ है। L से नाक बन गई है और G से स्माइल। फिर टोस्टेटोस नाम के जो फेमस चिप्स और साल्सा कंपनी है, उनके लोगो को देखोगे तो बीच के जो 2 T है उनको देख कर ऐसा लगता है कि वो 2 लोग है, जो कि आई के ऊपर रखे साल्सा और चिप्स खा रहे हैं। आखिर में यूनिलीवर का जो लोगो है उसमें आपको अलग अलग चीजें, आर्ट्स और आइकन्स दिखेंगे, जो कि ये बताता है कि यूनिलीवर कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। नंबर 1, मुकेश अंबानी खाने में क्या खाते हैं? वो ऐसे इतने अमीर हैं कि लिटरली कोई भी डिश खाना चाहे वो आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये एकदम नॉर्मल डाइट लेना ही पसंद करते हैं, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी, और यही सब अपने नॉर्मल डेज पर हमेशा परिवार के साथ बैठकर यही सब खाते हैं। हाँ, लेकिन सुबह ये साउथ इंडियन या फिर अलग क्यूजीन का नाश्ता पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें थाई क्यूजीन भी बहुत अच्छा लगता है, और ओकेजनली ये काफी महंगी डिश भी खाते ही होंगे, पर यूजुअली ये नॉर्मल खाना ही पसंद करते हैं, जो कि इनका पर्सनल शेफ बनाता है, जिसके लिए ये महीने के 2 लाख से भी ज्यादा सैलरी देते हैं। और नीता अंबानी जी ने इंटरव्यू में बताया कि मुकेश अंबानी जरूरी नहीं है कि बस बड़े रेस्टोरेंट से ही खाना खाए, वो छोटे से ढाबे यहाँ तक कि स्ट्रीट साइड वड़ा पाव भी खाना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रोसेस और पैकेट में पैक मिलने वाली चीजें नहीं खाते, जैसे कि चिप्स। वैसे टाइप का सारा खाना उनके शेफ उनके लिए स्पेशली प्रिपेयर करते हैं, और उन्हें नॉर्मल इंडियन फूड ही काफी अच्छा लगता है। वो नॉन वेज भी नहीं खाते, लेकिन डॉक्टर के कहने की वजह से वो सिर्फ अंडा खाते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि PM मोदी जी कौन सा पेन यूज करते हैं, और कैसे बस इन फिल्म्स को देखने से आप अंधे हो सकते हो, और कैसे आप बुर्ज खलीफा के मालिक हो और आपको पता भी नहीं। भाई वीडियो गजब मजेदार है, इसे अभी दबाओ और अभी देखो। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।